नमस्कार, राम राम भाई लोगों। मैं बसंत चारण, अपने यूट्यूब चैनल दक्ष क्लासेज कोचामन सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर गया हूं भाई लोगों। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख रियासतें, जो कि आपके राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट, इन सभी वैकेंसीज के अंदर ही आपके काम आएगी। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की प्रमुख रियासतें। राजस्थान की रियासतें भाई लोगों, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि प्राचीन समय काल के अंदर राजा रजवाड़ों के द्वारा रियासतों के ऊपर राज किया गया था, और उस समय काल के अंदर राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की 19 रियासतों को याद रखने के वास्ते एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक देसी सूत्र है, आप लोगों को याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हम 19 रियासतों को एक इस प्रकार से अगर याद करना चाहेंगे, रटना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो एक छोटा सा सूत्र आप लोगों के बीच में, एक देसी सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं रियासतों से। एक देसी सूत्र है भाई लोगों, अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जासी भी। अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जा सी बी। ये एक देसी सूत्र है, कोई जरूरी नहीं कि अपने इसी सूत्र को ही याद रखें, अगर इससे अच्छा भी अगर आप कोई सूत्र बना सकते हो उन रियासतों को पढ़ने के बाद में, तो भी आप उससे भी बेटर आप अच्छा बना सकते हो। बस जरूरत है हमें 19 रियासतों को याद रखने की, और उसके वास्ते ये छोटा सा सूत्र प्रस्तुत। भाई लोगों, अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जा सी बी। यहां पर जे को 3 बार पढ़ना है और उसके बाद सी बी। मैं आपको इस सूत्र के साथ ही राजस्थान की प्रमुख रियासतों को अपन लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान में कुल कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों को याद रखने का छोटा सा सूत्र, अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जासी बी। सूत्र के अनुसार सूत्र एक बार फिर से आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूं, अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जा सी बी। ठीक है जी, देखिएगा, अब इन रियासतों के नाम आप ही शुरुआत से यहां पर बता सकते हैं। सर्वप्रथम है ए, ऐसे अलवर रियासत, भैसे भरतपुर रियासत,
प्रत्येक अक्षर के नाम लेते ही मेरे हिसाब से रियासतों के नाम आपको अपने आप ही याद हो रहे होंगे और आप खुद इसका उच्चारण कर सकते हैं साथ में। अगली रियासत का नाम आपके खुद के माइंड में आना चाहिए। धौलपुर, करौली, कोसे होता है कोटा, भूसे बूंदी, झासे झालावाड़, तो को आप टोंक के रूप में याद रखेंगे। ठीक है जी। अब धोक को बुझा तो, यहां तक एक बार अपन पढ़ते हैं भाई लोगों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और तोसे टोंक, इन रियासतों के नाम बताने के साथ साथ में आपको हर रियासत से संबंधित एक 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 आपको जीके का क्वेश्चन मैं साथ में बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हर रियासत के साथ में उसकी एक विशेषता, उसके सबसे प्रसिद्ध जो चीज है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखिएगा अलवर। अलवर वो प्रदेश है जहां पर नरुका वंश के द्वारा शासन किया गया था, राजपूतों के नरुका वंश। ये अलवर जिसका प्राचीन नाम था सूरसेन प्रदेश। ये अलवर जहां का सबसे प्रतापी शासक हुआ था विनय सिंह। यह वही विनय सिंह है जिसके द्वारा अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में देखिएगा भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर ये दो रियासतें जाट रियासतें हैं। राजस्थान की 19 रियासतों में से दो रियासतें जाटों के द्वारा शासित रियासतें थी। भाई लोगों, जाटों का इतिहास इस राजपुताने के इतिहास के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक किसान जाति थी, वो एक जाट जाति थी जिसने शुरुआत से ही खून पसीना एक करके इस धरती माता से अन्न उपजाने का काम किया करती थी। लेकिन जब इनके ऊपर अत्याचारों की इति हो जाती है, आखिर जब अत्याचार करके इनके ऊपर जब पाप का घड़ा जब भर जाता है, तब आखिरकार के अंदर ये जाट जाति इन शासकों के खिलाफ खड़ी होती है। और उस समय काल के अंदर मुगल शासक था औरंगजेब, और औरंगजेब के खिलाफ इस जाति के को सर्वप्रथम खड़ा होना पड़ा एक मजबूरीवश। और आखिरकार अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के वास्ते ये किसान लोग आखिर अपने परंपरागत हथियारों को फेंक के, और इन्होंने अपने हाथों में तलवार थामी थी, और आखिरकार में इन्होंने भरतपुर और धौलपुर इन दोनों रियासतों के ऊपर अधिकार किया था और यहाँ पर जाट राजवंश की स्थापना की। जब तक जाटों के हाथ में शासन नहीं आया तब तक नहीं आया था, लेकिन जिस दिन इनके हाथ में शासन आ गया था उसके बाद में इन दोनों रियासतों के ऊपर इन्होंने कभी भी, जब तक देश आजाद नहीं होता है, जब तक राजस्थान के एकीकरण नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने किसी दूसरों को अपने ऊपर अधिकार करने नहीं दिया। ऐसी गौरवशाली रियासतें थी भरतपुर और धौलपुर। इन दोनों रियासतों के बारे में बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है, बहुत ही अच्छी कहावतें भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, तब लड़े जाट का 2 छोरा, कि हट जा गोरा पाछने, कि हट जा गोरा पाछाने, और राज है भरतपुरा जाटारो। इस प्रकार से मेरे साथियों ये वो रियासत है जहां पर इस जाट राजवंश का सबसे बड़ा मायोदा इस रियासत के अंदर जन्म लिया था, जिसका नाम था राव सूरजमल। और वो सूरजमल
जो बंदा अपने वीर योद्धा गुणों की वजह से, अपनी दूरदर्शिता की वजह से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अपना एक अटूट योगदान रखता है, वो सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, और वो बंदा जो जाटों का सबसे बड़ा मायोदा कहलाया था। बाकी इतिहास अपन जब जाटों का इतिहास पढ़ेंगे उस समय इसको विस्तार रूप से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस प्रकार से राजस्थान की दो ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर जाट राजवंश के द्वारा शासन किया गया था, वो थी भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद बात करते हैं करौली। करौली वो रियासत थी जहां पर पाल वंश व यादव वंश के द्वारा शासन किया गया था। यादव वंश भगवान कृष्ण का वंश, तो भगवान कृष्ण का जो वंश है यादव वंश, वही यादव वंश के द्वारा यहां करौली तक अपना साम्राज्य विस्तार किया गया था। भाई लोगों, यहां पर एक पाल वंश के द्वारा भी, जो भी यादव वंश है संबंधित है, रिलेटेड वंश है, तो ये पाल यानी कि पाल कहा गया है, पालनहारा गायों के पालनहारा, तो पाल व यादव वंश के द्वारा शासन किया गया करौली रियासत के ऊपर। अब बात करते हैं कोटा और बूंदी। कोटा, बूंदी और झालावाड़। भाई लोगों, कोटा और बूंदी के संदर्भ में आप लोगों को पता है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये तीनों ऐसी रियासतें थी जहां पर राजपूतों के हाड़ावंश के द्वारा शासन किया गया था। राजपूतों के हाड़ावंश के द्वारा शासित कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सभी रियासतें इसमें आती थी। पहले कोटा और बूंदी ये दो ही रियासतें थी, लेकिन उसके बाद में इस कोटा से अंग्रेजों के द्वारा इस झालावाड़ को अलग करके और एक नवीनतम रियासत बनाई गई, एक अलग रियासत बनाई गई, और ये वो रियासत थी जिसे राजस्थान में सबसे लास्ट बनाया गया था। इसीलिए इस रियासत को कहा जाता है राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत 1838 ईस्वी और इस रियासत का निर्माण कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया मेरे साथियों कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी झालावाड़, जिसे कोटा से अलग करके बनाया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित वह राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, जिसका निर्माण हुआ है 1838 ईस्वी के अंदर, इसे कोटा से अलग किया गया है। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये तीनों वो रियासतें हैं जहां पर राजपूताने के हाड़ा वंश के द्वारा शासन किया गया था। ये कोटा, जिसका निर्माण एक कोटिया नामक भील के द्वारा किया गया था, तो कोटिया भील के नाम पर पड़ा कोटा, कोटिया भील के द्वारा निर्मित एक नगर या एक रियासत जिसका नाम था कोटा। इसके नीचे भाई लोगों टोंक। टोंक वो रियासत है जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की 19 रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत, जिसका निर्माण किया था अमीर खां पिंडारी के द्वारा। अमीर खां पिंडारी 1817 ईस्वी में। टोंक रियासत राजपूताने के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत, जिसका निर्माण कराया गया जिसे लुटेरी जाति माना जाता था, पिंडारी जाति, और उस पिंडारी जाति का जो मुखिया था उसका नाम था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने 1817 ईस्वी के अंदर इस नगर की स्थापना की गई थी टोंक की, और टोंक को फिर आगे जाकर के एक मुस्लिम रियासत के रूप में स्थापित किया गया था। तो मेरे भाई लोगों, सर्वप्रथम बात जो कर रहे थे रियासतों की, इसके अंदर अपनी रियासतें जो आई है वो 8 रियासतों को आप पढ़ चुके हो, एक बार फिर से देखिएगा। अलवर रियासत, जहां पर नरुका वंश के द्वारा शासन किया गया था। सुरसेन प्रदेश, जिसका प्राचीन नाम था और वहां का प्रतापी शासक हुआ विनय सिंह। इसके बाद में भरतपुर और धौलपुर, दो जाट रियासतों के रूप के अंदर, जहां का सर्वाधिक प्रतापी जो शासक हुआ जिसका नाम था राव सूरजमल।
राव सूरजमल को अपन विस्तार से पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के अंदर। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें, करौली के अंदर पाल व यादव वंश, कोटा बूंदी और झालावाड़ के अंदर हाड़ावंश के द्वारा शासन, और झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, अमीर खां भिंडारी के द्वारा निर्माण किया गया 1817 के अंदर। ठीक है भाई लोगों, अब अपन बात करते हैं इसके आगे। राजस्थान की रियासतों में से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों के आता है, इसलिए इसे थोड़ा विशेष गौर से पढ़िएगा, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में करते हैं बात भाई लोगों नौवीं रियासत बांसवाड़ा। डूंगरपुर, सासे, शाहपुरा, पैसे, प्रतापगढ़ रियासत, केस आता है किशनगढ़, मेवाड़ रियासत। ठीक है जी, एक बार यहां तक देखिएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर। भाई लोगों अगली रियासतें बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जिसे आदिवासी प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के दो आदिवासी प्रदेश कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये वो दो रियासतें हैं जिस प्रदेश को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता था। वागड़ प्रदेश के नाम से जाने जाने वाली दो क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर वो क्षेत्र है मेरे भाई लोगों, जिस इन दोनों रियासतों के ऊपर इस राजपुताने के गुहिल वंश के द्वारा शासन किया गया था। मेवाड़ का सबसे प्रतापी जो वंश है गुहिल वंश, इस गुहिल वंश के द्वारा ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ऊपर शासन किया गया था। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान के दो आदिवासी प्रदेश, जिस प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहा जाता है, और जहां पर इस मेवाड़ के गुहिल वंश के ही शाखा के द्वारा यहां पर शासन किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं शाहपुरा। शाहपुरा वो रियासत है जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भी इसी प्रकार से गुहिल वंश के द्वारा शासित है। गुहिल वंश के द्वारा यहां पर शासन किया गया, और प्रतापगढ़ का निर्माण राव प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। और ये राव प्रताप सिंह है, ये महाराणा प्रताप नहीं है। तो राव प्रताप सिंह के द्वारा जिस रियासत का निर्माण, इसमें एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीन रियासतें ऐसी है जहां के शासकों के नाम के पहले महारावल लगाया, संबोधन के रूप में महारावल लगता था। महारावल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन शासकों के नाम के पहले संबोधन के रूप में महारावल शब्द लगाया जाता था। तो उसके अंदर बैलू को नाम आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जो कि गुहिल वंश की
द्वारा यहाँ पर अन्य शासन भी किया गया था। तो मेवाड़ के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीन रियासतों के शासकों के पहले नाम के पहले जो शब्द संबोधन के रूप में लगाया जाता था उस शब्द का नाम है महारावल। इसके अलावा अगली रियासत है किशनगढ़। किशनगढ़ वो रियासत है भाई लोगों जिस रियासत पर राठौड़ वंश के द्वारा शासन किया गया था और इसका निर्माण राव किशन सिंह के द्वारा किया गया था। यह किशनगढ़ जहां की एक चित्रशैली बड़ी प्रसिद्ध है, बनी ठेणी। ये बनी ठेणी चित्रशैली राजा सावन सिंह के शासनकाल के अंदर इस चित्र का निर्माण किया गया था। किशनगढ़, किशनगढ़ मारवाड़ यानी कि जोधपुर, मारवाड़ रियासत जहां पर राठौड़ वंश के द्वारा शासन किया गया था, वहां का एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था, एक पुत्र थे जिनके नाम था राव किशन सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र राव किशन सिंह के द्वारा मारवाड़ से चलकर के उसने इस किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसे एक नया नगर बसाया और नगर का नाम अपने ही नाम पर उसने रख करके किशनगढ़ रखा। तो किशनगढ़ के अंदर उसने राठौड़ वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि पिता अगर मारवाड़ है तो बेटा है किशनगढ़, क्योंकि ये राठौड़ वंश की जो सर्वप्रथम शाखा है मारवाड़ रियासत जोधपुर, तो ये राठौड़ वहां से उत्पत्ति होकर के और राठौड़ों ने इस जोधपुर मारवाड़ से रवाना होकर के फिर किशनगढ़ को आकर के बसाया और यहां पर भी राठौड़ों की अन्य शाखा के रूप में स्थापना की। इसी किशनगढ़ रियासत के अंदर एक प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम था राजा सावन सिंह। राजा सावन सिंह चित्रकला प्रेमी इंसान था। इसकी एक प्रेमिका थी जिस प्रेमिका का नाम था रसिक प्रिया। राजा सावन सिंह की प्रेमिका जिसका नाम रसिक प्रिया, इसने अपनी प्रेमिका की सुंदरता के ऊपर मोहित होकर के इसने अपने दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम था निहाल चंद, उस निहाल चंद को बुला करके इस अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। तो रसिक प्रिया जो बन ठंड करके आई थी बहुत ही रूप सौंदर्य की धनी थी। उस रूप सौंदर्य की धनी उस रसिक प्रिया का एक सुंदर चित्र जो निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था, वो चित्र इतना सुंदर बन पड़ा कि उस चित्र को देख करके और राजा सावन सिंह ने उस चित्र का नाम ही बनी ठणी रख दिया। तो रसिक प्रिया का जो चित्र बना उस चित्र का नाम रखा गया बनी ठणी। नाम देने वाला था राजा सावन सिंह और जो चित्रकार था निहाल चंद, उस निहाल चंद को राजा सावन सिंह खुश होकर के एक उपाधि देते हैं मोर ध्वज की। तो इस प्रकार से उसका पूरा नाम होता है मोर ध्वज निहाल चंद। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे साथियों कि बनी ठणी चित्र को बनाने वाला चित्रकार कौन था, तो उसका पूरा नाम आएगा मोर ध्वज निहाल चंद। ये किसके दरबार में चित्रकार था? राजा सावन सिंह। राजा सावन सिंह की प्रेमिका का नाम क्या था? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का जो चित्र बना वो क्या कहलाया? बनी ठणी। तो इस प्रकार से बनी ठणी वो चित्र था जो इस भारत में इस नारी चित्रण में सबसे सुंदर चित्र बना और इस चित्र की तुलना इस संसार के सबसे सुंदर नारी चित्रण से की गई है। इस संसार का सर्वाधिक सुंदर चित्र है जो मोनालिसा का चित्र माना जाता है, इटली के एक चित्रकार लियोनार्डो दे विंची। इटली का एक चित्रकार लियोनार्डो दे विंची के द्वारा बनाया गया इस संसार का सबसे सुंदर नारी चित्र जिसे कहा जाता है मोनालिसा का चित्र, उस मोनालिसा की के चित्र की तुलना इस बनी ठणी से की गई है और इसीलिए इस चित्र की उपनाम के रूप में इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठणी चित्र का उपनाम भारत की मोनालिसा। इस प्रकार से मेरे साथियों ये राजा सावन सिंह के समयकाल की प्रमुख एक घटना आप लोगों ने पढ़ी। ये बनी ठणी चित्र को विश्व मंच के ऊपर लाने वाला जो बंदा था उस बंदे का नाम था डॉक्टर फैयाज अली। बाकी आपको राजस्थान की कला संस्कृति के चित्र शैली के अंदर आपको इसे विस्तार से आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगली रियासत है मेवाड़। मेवाड़ वो रियासत है जो इस राजपुताने के इतिहास की सर्वाधिक गौरवशाली रियासत है और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत
जिसका निर्माण किया गया था 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। इस रियासत का संस्थापक गुहिल आदित्य था। ये गुहिल आदित्य जिसने अपने नाम से ही यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की थी। ये गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। और ये गुहिल वंश जिस गुहिल वंश के शासकों के नाम के पहले रावल संबोधन के रूप में रावल लगाया जाता था, और उसके बाद में यहाँ के शासकों के नाम के पहले शुरुआत हुई राणा शब्द की, और राणा से ये आगे जाकर के जो उपमा है ये महाराणा के रूप में स्थापित हुई। अगर मैं ये कहूँ कि मेवाड़, वो मेवाड़ जहाँ पर गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल आदित्य जिसने 566 ईस्वी में स्थापना की थी, और उसके बाद में इस गुहिल वंश के शासकों के नाम के पहले जो शब्द काम में लिया जाता था वो शब्द था रावल। रावल के बाद में इसी शासकों के नाम के पहले शब्द प्रयोग में लिया जाने लगा राणा, और राणा से बाद में जाकर के शब्द बना महाराणा। इस प्रकार से ये मेवाड़ के शासकों के नाम के पहले लगने वाली ये संबोधन है, ये उपमाएं हैं। तो इस प्रकार से मेरे भाई लोगों, ये मेवाड़ रियासत वो रियासत है जिसने इस राजपुताने के इतिहास को सर्वाधिक गौरवशाली जो गुणगान किया जाता है, जिन कवियों के द्वारा इस मेवाड़ की धरा और इस राजस्थान की धरा को एक महान धरा जो कहा जाता है, उस महान धरा जिस रियासत के गौरवशाली इतिहास को देख करके जिसे पढ़ करके कहा गया, उस रियासत का नाम था मेवाड़ रियासत। ये वो मेवाड़ रियासत जहाँ पर बहुत बड़े वीर योद्धा सुरमाओं ने यहाँ पर शासन किया था, यहाँ पर इस धरती पर जन्म लेकर के इस धरा को जिन्होंने धन्य बनाया था। उनमें नाम आता है बप्पा रावल, जिनमें नाम आता है राणा कुंभा का, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। ये वो सभी महाराणा थे जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि की रक्षा करने के वास्ते अंतिम समय तक संघर्ष किया, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ वो रियासत जिसने बाकी राजपुताने की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार ना करके संघर्ष का रास्ता अपनाया था, इसी वजह से इस रियासत को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया साथियों, हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है, हिंदुआ सूरज किस रियासत को कहा जाता है? तो वो रियासत है गौरवशाली रियासत मेवाड़। ये वो गौरवशाली रियासत है जिसके बारे में चारण कवियों के द्वारा बहुत ही अच्छी चंद लाइनें प्रस्तुत की गई है। इस धरा को एक आह्वान करते हुए कहा गया है कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तो रिझे बांझी मत गमाजे नूर, मत गमाजे नूर। इस प्रकार से हे मातृभूमि अपने इस धरा को इसी प्रकार से गौरवशाली गौरवगान दिलाई रखना, और यहाँ पर सूरवीर योद्धाओं को जन्म देते रहना। अगर सूरवीर योद्धाओं को जन्म ना दे सके तो तू बांझ रह जाना, तो किसी प्रकार से एक अयोग्य किसी व्यक्ति को जन्म देकर के अपनी सुंदरता को कम मत करना। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर महाराणा प्रताप जिसने जन्म लिया, वो महाराणा प्रताप जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बारे में भी इस एक चारण कवि ने बड़ा खूब लिखा है कि धन्य धन्य है वो धरा, कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी भक्ति शक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी भक्ति शक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो सूरवीर राणा जो अकबर के सामने कभी झुका नहीं, कभी झुका नहीं। साथियों लंबा चौड़ा इतिहास मेवाड़ का जो रहेगा वो मैं आपको उसमें और विस्तृत रूप से मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसे थोड़ा सा फिर से ध्यान कीजिएगा, गुहिल वंश की जो प्रमुख रियासतें थी उसके आप लोगों के ध्यान में आ गया। एक रियासत है मेवाड़, दूसरी रियासत है बांसवाड़ा, तीसरी है डूंगरपुर, और चौथी रियासत है प्रतापगढ़। इस प्रकार से चार रियासतों के ऊपर गुहिल वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया था। इनमें नाम आता है शाहपुरा जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। यह शाहपुरा एक जयपुर में भी है। यह शाहपुरा आपके आता है भीलवाड़ा में। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ राव प्रताप सिंह के द्वारा, देखो भाई लोगों लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। यह प्रतापगढ़ वो रियासत है जहां की एक बहुत ही
प्रसिद्ध चित्र शैली है, जहाँ पर एक ही पूरे के पूरे संसार में एक सबसे अलग हटकर की चित्र शैली है थेवा कला। थेवा कला इस राजपुताने के अंदर, इस राजस्थान के अंदर जहाँ की प्रसिद्ध है, वो नाम है प्रतापगढ़। और ये प्रतापगढ़ की वो थेवा कला जिसका जन्मदाता था नाथू जी सोनी, वो नाथू जी सोनी जिसने इसे यहाँ पर इस प्रकार से इसे जन्मदाता के रूप में इसे माना जाता है। और जिस बंदे ने 500 सालों तक अपने एक ही परिवार तक इस कला को सीमित रखा, 500 सालों के बाद में ये कला नाथू जी सोनी के परिवार से बाहर निकलती है, लोगों को पता चलता है और फिर ये पूरे के पूरे भारत में और पूरे संसार के अंदर लोकप्रिय होती है। थेवा कला क्या है? थेवा कला एक कांच की, कांच का कोई बर्तन हो या कांच की जो परत होती है, उस कांच की परत में सोने चांदी की जो चित्रकारी की जाती है, सोने चांदी की जो नकाशी की जाती है, उसे ही कला कहा जाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में थेवा कला का जन्मदाता कौन था? नाथू जी सोनी। ठीक है भाई लोगों, ये जो प्रमुख रियासतें हैं आप लोगों के सामने, इसके बाद में बात करते हैं अगली रियासतें। जेको तीन बार पढ़ना है साथियों, यहां पर जे को तीन बार पढ़ना है और फिर है सी और बी। जयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। ये बची हुई अन्य रियासतें साथियों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। ठीक है जी, ये 19 रियासतों के नाम आपके सामने आ गए हैं। अब देखिएगा जयपुर रियासत, वो जयपुर रियासत जिसे आमेर रियासत भी कहा जाता है, या आमेर रियासत जहां पर कछावा वंश के द्वारा शासन किया गया था। ये कछावा शासक, ये कछावा वंश के शासक जो अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं, भगवान राम, भगवान राम के दो पुत्र थे लव व कुश, कुश के जो वंशज थे, वे कुश के वंशजों के द्वारा ही आखिरकार में इस जो कुश के वंशज थे वो कुशवाहा कहलाए, और कुशवाहा से आगे जाकर के जो शब्द बना था वो था कछावा। तो कुश के वंशजों के द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई थी वो वंश था कुशवाहा वंश, और कुशवाहा से बना कछावा वंश। इसी वजह से आमेर रियासत या कह सकते हो कि जयपुर रियासत के जो शासक हैं, इन शासकों ने अपने उत्पत्ति भगवान राम से मानी है, और इसी प्रकार से इन्हें सूर्यवंशी भी अपने आप को कहते हैं। ये कछावा शासक जहां पर बहुत ही प्रतापी शासकों के द्वारा यहां पर भी जन्म लिया गया था, लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से मेवाड़ का इतिहास राजपुताने के इतिहास में सबसे गौरवशाली रियासत कह सकते हैं कि सूर्य के समान चमकने वाला अगर किसी का इतिहास है तो वह है मेवाड़ रियासत का। और उसी प्रकार से कह सकते हैं कि इस राजपुताने के इतिहास के अंदर एक चांद जो दिखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक दाग होता है, उस रियासत के रूप के अंदर चांद से जो तुलना की गई है वो कछावा वंश से की गई है। कि दिखने में बहुत बड़ा है और है भी दिखने में बड़ा सुंदर, लेकिन उसमें एक छोटा सा दाग है, और दाग इस रियासत के साथ में इस बात का था कि ये वो कछावा वंश है, ये वो कछावा रियासत है जिन शासकों ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ के अंदर वहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, सर्वप्रथम इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और इसी वजह से इनके ऊपर एक छोटा सा एक दाग के रूप के अंदर जो एक प्रश्न जो चिन्ह लगता है वो ये मुख्य रूप से माना जाता है। तो मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाली जो रियासत थी उस रियासत का नाम है आमेर रियासत। भाई लोगों, ये रियासत
जिसके अंदर सवाई जय सिंह जैसा शासक हुआ था, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह जैसा प्रतापी शासक हुआ, जिसके अंदर राजा मान सिंह जैसा प्रतापी शासक हुआ। लेकिन जितने भी ये प्रतापी शासक थे, ये सब मुगलों के अधीनता होने की वजह से फिर इनका जो वर्चस्व था, जो इनकी महानता थी, वो महानता थोड़ी सी तनिक मेवाड़ के इतिहास के सामने फीकी पड़ जाती है। इसकी अगली रियासत है मारवाड़ रियासत, जिसे जोधपुर भी कहा जाता है। उस समय की मारवाड़ रियासत वर्तमान का जोधपुर, जहां पर राठौड़ वंश के द्वारा शासन किया गया था। ये राठौड़ वंश का जहां से जन्म हुआ है, जहां से राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई है, वो रियासत है मारवाड़ रियासत। भाई लोगों, यहां राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी को इसने एक नगर बसाया था अपने नाम से, जोधपुर, और यहां पर एक किले का निर्माण भी कराया था, जिसका नाम है मेहरानगढ़। मारवाड़ रियासत जहां पर शासन किया राठौड़ वंश ने, राठौड़ वंश का एक प्रतापी शासक राव जोधा, वो राव जोधा जिसने अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के वास्ते माँ करणी, इस मारवाड़ प्रदेश के अंदर एक राजस्थान की लोक देवी, प्रसिद्ध लोक देवी, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी जिसे कहा जाता है करणी माता, उस करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता से आग्रह करके, और आखिरकार ये बंदा इस मारवाड़ प्रदेश के अंदर इसने एक चिड़िया टूक नामक पहाड़ी के ऊपर माँ करणी के हाथों से एक किले की नींव लगवाई थी, और जिस किले की नींव माँ करणी ने लगाई थी, उस किले का नाम है मेहरानगढ़ किला। और मेहरानगढ़ किले के पास में ही इसने ये जोधपुर नगर बसाया था 12 मई 1459 को। तो इस प्रकार से आज का जो जोधपुर है, यहाँ जो प्राचीन समय काल की ऐतिहासिक एक रियासत मारवाड़ के रियासत के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था, जहाँ पर राठौड़ों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा अपना गौरवशाली इतिहास यहाँ पर स्थापित है। अगली रियासत है जैसलमेर, जहां पर भाटी वंश के द्वारा शासन किया गया था। भाटी वंश जहां पर राव जैसल भाटी एक प्रतापी शासक हुआ था, जिसने जैसलमेर का किला, या जिसे आप सोनार किला कह सकते हो, सोनार किले का निर्माण करवाया था। पीले पत्थरों से निर्मित एक ऐसा किला जो सूर्य की किरणें, जैसे ही सवेरे सूर्योदय के साथ में जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती है, तब उस समय काल के अंदर जो पीले पत्थर का होने की वजह से सोने के समान चमकता है, इसी वजह से कहलाया सोनार किला। सोनार किला कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर के किले का दूसरा नाम क्या है? सोनार किला, जिसका निर्माता था राव जैसल भाटी। तो भाटी वंश के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। अगला है भाई लोगों सिरोही। सिरोही वो प्रदेश है जिसका प्राचीन नाम था अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश के अंदर एक प्राचीन समय काल के अंदर एक राजस्थान की लोक देवियों में एक देवी आती है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता निवास करती थी, इसी वजह से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। यही अर्बुद प्रदेश आगे जाकर के आबू प्रदेश कहलाया, और उस समय का आबू प्रदेश आज का कहलाता है माउंट आबू। ये सिरोही जहां पर राजपूतों के, देवड़ा राजपूतों के द्वारा शासन किया गया था, राजपूतों में देवड़ा वंश के द्वारा शासन किया गया था सिरोही के अंदर। अंतिम रियासत के रूप में पढ़ते हैं बीकानेर। वो बीकानेर जिसका निर्माण किया है राव बीकाने यहां पर राठौड़ वंश की स्थापना की 1488 ईस्वी के अंदर। अक्षय तृतीया के दिन, जिसे अपन आखा तीज भी कहते हैं, भाई लोगों मारवाड़ रियासत का प्रतापी शासक राव जोधा का पांचवा पुत्र,
राव जोधा का पांचवा जो पुत्र था उसका नाम था राव बिका। ये राव बिका जो कि पिता के समय काल में ही राव जोधा के समय काल के अंदर ही मारवाड़ से रवाना होकर के जांगड़ प्रदेश की ओर रवाना हो जाता है अपना साम्राज्य स्थापना करने के वास्ते। कहा जाता है कि राव जोधा पांचवा पुत्र था, इस वजह से इसके शासन इसके हाथ में आना मुश्किल था, क्योंकि राजपुताने की एक परंपरा थी कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा वही अगला शासक बनेगा। तो राव जोधा का जो बड़ा बेटा था राव सातलदेव वो अगला शासक बना मारवाड़ का, वो अगला शासक बनना था। इसी वजह से राव जोधा का जो पांचवा पुत्र था वे अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के और वहां से रवाना हो जाता है, रवाना होकर के और ये जांगड़ प्रदेश की ओर प्रस्थान करता है। जांगड़ प्रदेश जो बीकानेर का प्राचीन नाम था, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगड़ प्रदेश। तो उस जांगड़ प्रदेश के अंदर जाता है और उस जांगड़ प्रदेश के अंदर माँ करणी निवास करती थी और आखिरकार ये माँ करणी के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर के उनका आशीर्वाद लेता है। और माँ करणी का आशीर्वाद लेकर के और 1465 के अंदर 1465 में इसने मारवाड़ छोड़ा था। 1465 से ये जांगड़ प्रदेश के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना करने में लगता है और इस राव जोधा जी के द्वारा 23 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में आखिरकार 1488 के अंदर इसने इस बीकानेर रियासत की स्थापना की, बीकानेर नगर की स्थापना की। आखिर जिस माँ जिस देवी के आशीर्वाद से वह सर्वप्रथम इस संघर्ष की ओर प्रस्थान किया था, देवी को वहां पर आग्रह करके लेकर के आता है और माँ करने के हाथों से बीकानेर नगर की नींव लगाता है। बीकानेर नगर की नींव लगाई गई थी अक्षय तृतीया के दिन, जिसे अपन कहते हैं आखा तीज। तो आखा तीज या अक्षय तृतीया 1488 के अंदर माँ करने के हाथों जिस नगर की नींव लगाई गई थी उस नगर का नाम है बीकानेर। इसी वजह से आज भी बीकानेर दिवस अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीकानेर दिवस कब मनाया जाता है, आखा तीज के दिन। तो भाई लोगों इस प्रकार से 23 वर्षों तक लंबे संघर्ष के बाद में जिसने अपनी रियासत स्थापना की थी वो बीकानेर रियासत, और वो बीकानेर रियासत जहां पर राठौड़ वंश के द्वारा शासन किया गया था। एक बात तो आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी मेरे साथियों कि राठौड़ वंश की इस राजपुताने में तीन प्रमुख रियासतें थी। सर्वप्रथम रियासत, सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ रियासत, जहां से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। राव सिया जिसने 12वीं सदी के अंदर यहाँ पर राव सिया के द्वारा यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की थी मारवाड़ में ही। फिर राव जोधा का पांचों बेटा राव बिका जो इस मारवाड़ से जांगड़ प्रदेश में जाकर के और वहां पर एक नई रियासत स्थापना करता है, राठौड़ वंश की दूसरी शाखा जिसे अपन बीकानेर के रूप में जानते हैं। यही मारवाड़ जिस मारवाड़ में एक शासक मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह का एक बेटा किशन सिंह, वो किशन सिंह यहाँ से जाता है और जाकर के किशनगढ़ नगर बसाता है और किशनगढ़ नगर के अंदर वहां पर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो मुख्य जो आधार है, जो सर्वप्रथम राठौड़ों की मेन मुख्य जहां पर साम्राज्य स्थापना थी वो थी मारवाड़ यानी कि आज का जोधपुर, एक रियासत है बीकानेर और एक रियासत है किशनगढ़। तो इस प्रकार से राठौड़ों की कितनी रियासतें होगी, तीन रियासत। इसी प्रकार से गुहिल वंश के मेवाड़ रियासत, मेवाड़ सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ के बाद में उन्होंने डूंगरपुर पर भी शासन किया, बांसवाड़ा पर भी शासन किया और प्रतापगढ़ के ऊपर भी शासन किया। राजपुताने में दो प्रमुख रियासतें ऐसी जहां पर जाटों का शासन, एक भरतपुर दूसरी धौलपुर। राजपुताने की एकमात्र वो रियासत जिसे मुस्लिम रियासत कहा जाता है टोंक रियासत। राजपुताने के अंदर यहाँ पर हाड़ा वंश के द्वारा शासित प्रमुख रियासतें जिनमें नाम आता है कोटा बूंदी और झालावाड़ का। इस प्रकार से मेरे साथियों ये रियासतें आपके सब लोगों के सामने मैंने छोटे छोटे से जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। इन रियासत में एक चीज़ याद रखना कि जोधपुर रियासत या जिसे मारवाड़ रियासत कहा जाता है ये रियासत वो रियासत है जिसे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कहा जाता है। दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़ रियासत।
जहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की या इस राजपूतानी की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है आमेर रियासत, जिसे अपन जयपुर रियासत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आमेर रियासत और क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राजपूतानी की सबसे बड़ी रियासत कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत, जो आज की जोधपुर रियासत कहलाती है। तो इस प्रकार से ये थी राजस्थान की 19 रियासतें। भाई लोगों, 19 रियासतों के बाद में 19 रियासतों को जो आपने एक सूत्र के रूप में पिरो करके याद करने का प्रयास किया है, मैं मानता हूँ कि शायद मेरा प्रयास सार्थक रहा। अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की मैं जासी भी, इस रियाज इस सूत्र के माध्यम से आपने 19 रियासतें पढ़ी है। 19 रियासतों के बाद में बात करते हैं तीन ठिकानों की, तीन ठिकाने भी इसमें महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। तीन ठिकानों का एक छोटा सा सूत्र आप लोगों के सामने, कुशलानी, कुशलगढ़, निमराणा, कुशलगढ़ लावा और निमराणा, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत में आता था, लावा जो कि उस समय काल की जयपुर रियासत में, वर्तमान टोंक जिले में, निमराणा जो कि आपका आता है अलवर में। तो तीन ठिकाने हैं जिनको भी आप एक सूत्र में याद रख सकते हो, कुशलानी, कुशलगढ़ लावा और निमराणा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर आता है, बांसवाड़ा रियासत में, लावा जो समय जयपुर रियासत में आता था और वर्तमान में यह टोंक जिले के अंदर आता है, निमराणा जो कि अलवर रियासत के अंदर आता है। तो इस प्रकार से मेरे साथियों ये तीन ठिकाने भी थे। ठिकाने किन्हें कहा जाता था? वो प्रदेश जिसका वजूद इतना नहीं है कि उसको एक रियासत के रूप में स्थापित किया जा सके, लेकिन इतना भी वजूद कमजोर नहीं है कि उसको जागीर के रूप में कहा जा सके। तो जागीर और रियासत के बीच का जो एक तालमेल होता था, सामंजस्य होता था, उसे कहा जाता था ठिकाना। इसी के साथ भाई लोगों, एक प्रमुख एकमात्र राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। देखो नाम में अजमेर भी बड़ा प्यारा है, तो फिर मेरवाड़ा नाम क्या है, ये मेरवाड़ा साथ में क्यों जोड़ा? मेरवाड़ा उसे कहा जाता है जहां पर एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ आते हों और दूसरी तरफ बड़े बड़े दोरे आते हों, तो पहाड़ों का और दोरों का जहां मिलन होता है उसे कहा जाता है मेरवाड़ा। तो ये जो अजमेर था, ये एक तरफ जहां पर अरावली पर्वतमाला की बड़ी बड़ी जिस प्रकार से पर्वत चोटियां आती है अजमेर तक, और दूसरी तरफ इस मारवाड़ के बड़े बड़े दोरे जाकर के पुष्कर तक वहां पर पहुंचते हैं, तो इन पहाड़ों का और दोरों का जहां पर मिलन होता था वो जगह थी अजमेर, और इसीलिए इस क्षेत्र को मेरवाड़ा नाम इसमें साथ में जोड़ा गया और पूरा नाम हुआ अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जिसका विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। भाई लोगों, ये राजस्थान के एकीकरण के अंदर अंतिम विलय प्रदेश था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना देश आजाद होता है 1947 के अंदर, और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान भी लागू होता है, और संविधान के अनुसार एक शर्त ये रखी गई थी कि जो भी कोई स्वतंत्र प्रदेश होगा उस स्वतंत्र प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा। तो 1950 के अंदर जो स्वतंत्र प्रदेश बना, जैसे कि राजस्थान को एक नाम अलग से मान्यता मिली और उसका अलग मुख्यमंत्री बना, तो अब ये 1950 तक ये अपने आप में एक स्वतंत्र प्रदेश था क्योंकि इसका विलय हुआ 1956 में, 6 साल बाद इसी
शर्त के तहत या कह सकता हूं कि संविधान के तहत यहां पर एक मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम वे एकमात्र मुख्यमंत्री बनाया गया था जिसका नाम था श्री हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम वे एकमात्र मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय। तो इस राजपुताने के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, ये अजमेर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर 1950 को संविधान लागू होने के बाद में एक मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा था और आखिरकार 1956 के अंदर इसका विलय होता है। इसी के तहत इसे कहा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर अंतिम विलय प्रदेश, रियासत नहीं है, अंतिम विलय प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार साथियों, आज का जो अपना टॉपिक था, राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आज का टॉपिक मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत इसी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपका अगर कोई सुझाव हो जिसमें आपको किसी प्रकार से और आपको अगर इसमें बेटर लगे, तो मेरे जितने भी विद्वान साथी इसे और अन्य भाई लोग भी जो इसे देखेंगे, किसी भी प्रकार का सुझाव होता है तो मैं आपके सुझावों का स्वागत करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई लोगों, जय जय राजस्थान।